आज मैं आपको सिक्किम की वो खूबसूरती दिखाना चाहता हूं जिसे देखकर आप कहेंगे अद्भुत। तैयार हो जाइए पहाड़ों को चूमते बादल देखने और चांदी सी सफेद बर्फ की चादर पर चलने के लिए। आज हम चल रहे हैं उत्तरी सिक्किम की सबसे दिलकश जगह युमथांग वैली। अगर आप सिक्किम आए और आपने युमथांग वैली नहीं देखी तो समझिए आपने कुछ नहीं देखा। आप युमथांग वैली के हर रूप को देख सकें इसीलिए मैंने यहाँ दो बार शूटिंग की, दो अलग अलग मौसम में, एक बार जनवरी में और दूसरी बार अप्रैल में। ये जो आप देख रहे हैं ये जनवरी का मंजर है जब इस वैली में शायद ही कोई कोना बचता हो जहां बर्फ न होती हो। सर्दियों की शूटिंग में कड़ाके की सर्दी थी, हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। अप्रैल की शूटिंग में मौसम तो मेहरबान था पर हालात थोड़े डावाडोल हो रहे थे। युमथांग वैली के रास्ते अब हम पहुंच गए हैं लाचुंग। यहाँ से आपको बाकायदा बहुत ठंड लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि अब आप स्नो के बहुत करीब आ गए हैं। आपने गैंगटॉक से ही चेकलिस्ट बना ली होगी कि स्नो में जाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, लेकिन लाचुंग एक पॉइंट है जहाँ पे आपको तय कर लेना चाहिए कि इसमें कुछ छूट तो नहीं गया है क्योंकि अभी भी वो यहाँ आपको मिल सकती है। तो कपड़ों में सब कुछ ले लिया है कि नहीं स्नो के लिए, साथ ही साथ में आप आगे लंच कहाँ करेंगे, डिनर कहाँ करेंगे, ब्रेकफास्ट कहाँ करेंगे, इसकी जानकारी भी यहीं से ले लीजिए और उस तरह प्लानिंग कर लीजिए। साथ ही में अपनी गाड़ी के अंदर एक डेढ़ दिन का खाने का सामान रख लीजिए। मान लीजिए कि आप कहीं पहुंचे और वहां लैंडस्लाइड आ जाए और आप निकल नहीं पा रहे तो गाड़ी के अंदर अपने आप को कैसे सस्टेन करेंगे। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए ऊपर आप कहीं फंस गए तो आप कांटेक्ट किसको करेंगे, इमरजेंसी नंबर्स अपने पास रखिए। ये सब प्लानिंग करके यहां से आगे बढ़िए। लाचुंग में रात गुजारने के बाद तड़के बर्फ से ढके पहाड़ मुझे खींचने लगे और मैं चल पड़ा उनसे मिलने के लिए। गाड़ी शायद मेरी बेचैनी को समझ रही थी इसीलिए पहाड़ों को चीरती मचलती सड़कों पर फर्राटे से दौड़ती जा रही थी, लेकिन एक बुरी खबर रास्ते में मेरा इंतजार कर रही थी। यहां हमें जानकारी मिली कि आगे लैंडस्लाइड हुआ है और रास्ता बंद हो गया है। रास्ता नहीं होगा, रोक दिया गया इनको, बहुत खराब रोड है इसलिए हो गया। ये ऊपर से आपको लगातार दिख रहा है कि गाड़ियां नीचे उतरती जा रही हैं, वो इसलिए कि अभी आपने देखा भी हमारे सारथी दावा बात कर रहे थे ऊपर से एक और आ रहे थे उनसे कि उनको थोड़ी आगे जाकर ही रोक दिया गया है। युमथांग की तरफ भागी जा रही गाड़ियां अब एक कतार में खड़ी हो गई थी और सैलानी कुदरत के नजारे अपने कैमरों में कैद करने लगे। और अपनी बेचैनी कम करने के लिए मैंने भी सैलानियों से बात शुरू कर दी। हम लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। मेरा नाम आकाश है। आपका नाम? अरविंद। अरविंद या गैसास? मैं फ्रॉम महाराष्ट्र। ओ महाराष्ट्र से? कहाँ से? ठाणे। ठाणे से? मैं वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। नवी मुंबई से? अच्छा जी। आपका नाम क्या? ऐश्वर्या। ओके, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप वहाँ भी टेम्परेचर कितना हो रहा होगा? वहाँ पे अबाउट 36-38 मुंबई में। वहाँ के बहुत गर्म है। यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। जब घर से चले थे तब इन बच्चों की आंखों में बर्फ के साथ खेलने के बड़े बड़े सपने थे और अभी ये थोड़े से मायूस लग रहे हैं। याद में जो कैप पकड़ी आपने ये तो बहुत सुंदर थी, ये फिर सिर पे लगा के देखो। Where are you from? I come from Thailand. ये थाईलैंड से है। And your name is? My name is Champagne. Champagne. Yes. Champagne in Thai means? It means full moon.
इनका नाम जो है वो है मून, चांद, आई एम आकाश, स्काई. Nice meeting you. So tell me, is there any part of Thailand where you have snow? No, we don't have snow. Yeah. So, Thailand में कहीं पर भी snow मिलती नहीं है. So you've come here in search of snow? That is my goal for the trip. Okay. Tell me one thing. What are the snow games you love? Actually, I like snowman. Making snowman. Yeah. I would love to have the carrot to the nose for snowman. ये कह रही है कि गाजर होगी तो बड़ा अच्छा होगा. स्नोमैन बनाएंगे, उसकी नाक पे लगा देंगे उसको, गाजर को. तो यू गेट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक फूड हियर, डोंट यू? या. हैव यू टेस्टेड इट? डू यू लाइक सिक्किमीज फूड? आई लव सिक्किम फूड, आई लव इंडियन फूड. यस, इट्स अमेजिंग. नॉट टू स्पाइसी फॉर यू? आई लव स्पाइसी फूड, वी लव चिली. सो ऑल द बेस्ट, इट्स बीन रियली नाइस टॉकिंग टू यू. नाइस टू मीट यू. हैव मोर फ्रेंड्स हियर? योर हैंड इज प्लीजिंग. But I love here. I would like to say, if everyone have a chance to come here, come to Sikkim. It's amazing town to visit. Thank you. Hold on. इन्होंने अभी ये कहा कि जो भी आना चाहता है जरूर सिक्किम आइए, बहुत खूबसूरत है. Can you say it in Thai? สวัสดีค่ะถ้ามีโอกาสได้มาเยี่ยมสิกิมนะคะอยากให้มาที่นี่สวยมากอากาศดีอาหารอร่อยและคนใจดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะ So you do namaste, isn't it? Yes. Khabunkha. Yes. This is Khabunkha. Yes, it means thank you. Okay. When you meet, then also you say, you hold hands. Swadika. 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 Oh, Swadika. Swadika, समझ में आया? ये बना है शब्द swastika से. Sanskrit word is swastika. Swadika. Right. And in Thai, it has become Swadika. We also do namaste in India. Yes. Swadika for the lady. Swadhi krap. For the guy. For the guy. Sawadika. 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 थोड़ा सा थाई भी सीख लिया हमने. Thank you so much for teaching us Thai language. At least we've started. Yeah. Lovely. Thanks for talking to you. Thank you. Nice talking to you. Take care. Take care. Okay, so what brings you here? देश के कोने कोने से टूरिस्ट युंगथाम वैली देखने आए हुए हैं. ये नया नवेला जोड़ा हैदराबाद से आया है. अब तक युंगथाम वैली ना पहुंचने से बेचैन तो हैं, लेकिन नज़ारा यहाँ का भी बुरा नहीं, लिहाजा एक साथ बैठकर इन पहाड़ों को निहार रहे हैं. So nice to see you both. यहाँ क्या लिखा है? Avalanche prone area, inconvenience regretted please. और देखिए बाकायदा आपको दिख भी रहा है, ऊपर से स्नो मेल्ट होकर नीचे आती है और नीचे की पिघल रही है. ऐसे टाइम पे ज्यादा फिसलते हैं आप. जिस खबर को सुनने के लिए कान बड़ी देर से तरस रहे थे वो पहुंच गई. दमदार मशीन की ताकत और सरकारी कर्मचारियों की मेहनत ने युंगथाम वैली को जाने वाले इस रास्ते को खोल दिया, लेकिन गाड़ियों के लिए कुदरत की कुछ चुनौतियां अभी बाकी. गाड़ी जावे ना? गाड़ी जाची? जाची. देखिए अब थोड़ा सा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा है. अभी आप सामने वाली गाड़ी भी देखेंगे, यहाँ पर स्किड ना मारे. अभी हमारे जो सारथी है दावा, वो ध्यान से देख रहे हैं. अगली गाड़ी देखिएगा, आगे चलिए दावा. मेरे ड्राइवर ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, सही तकनीक लगाई और मेरी गाड़ी भी रास्ते की टेढ़ी मेढ़ी अड़चन को पार कर गई. हम आए तो थे नेचर के लिए, लेकिन हो गया एडवेंचर.
दावा ये बताओ, बहुत सारी गाड़ियों को हम देख रहे थे, कुछ लोग जो पहली बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे उनको दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम क्या थी? सर एक्चुअली यहाँ पे ये जो रास्ता है ये नॉर्थ सिक्किम का, रोज मैक्सिमम ये लैंडस्लाइड होते रहते हैं, सो इसकी वजह से रोड मैक्सिमम ब्लॉक ही होता है। तो जो रोज आता है उनको तो एक्सपीरियंस है कि आप ये किस तरह से जाना है, क्या क्या करना है उसके लिए। एक बात बताओ, कुछ गाड़ियाँ निकल रही थी, कुछ नहीं निकल रही थी, तो बाद में वही गाड़ी निकल गई, तो निकल गई उसने क्या सही किया? एक्चुअली गाड़ी में वेट तो डालना पड़े, आदमी थोड़ा वेट होना चाहिए, मतलब कि गाड़ी में अगर 5-6 लोग बैठे हों तो अच्छा है, अच्छा वेट से दब के चलेगी, थोड़ा दब के चलेगी क्योंकि और मिट्टी में फंसेगी नहीं। जी सर, चराई वैती चलते रहो, आगे बढ़ते हैं। अब रास्ता साफ हो गया है, लोग अपनी अपनी गाड़ियों को पंख लगाकर उड़ते जा रहे हैं, लेकिन इन्हें देखिए, इनकी जाबाजी ऐसी है कि ये बहुत दूर तक पैदल ही जाना चाहती हैं। हमारा गाड़ी है तो आप पैदल क्यों जा रहे हो? लेकिन हमको ये अच्छा लगता है। हां, यू लव टू वॉक। या ओके, ऑल द वे। थैंक यू। धीरे धीरे युंगथाम तक पहुंचने का सपना अब हकीकत में बदलता जा रहा था। हम बिल्कुल ऐसे इलाके में हैं जहाँ आप कह सकते हैं कि हम हाई अल्टीट्यूड में आ गए, मेरे को बोलने में भी दिक्कत हो रही है, स्टैमरिंग हो रही थोड़ी सी। एक और सिंबल है याक हाई अल्टीट्यूड का, मेरे एक साथी को याक की फोटो लेने की सूझी। ज्यादा पास मत गुस, याक शायद अच्छे मूड में नहीं था। मत गुस, भाग भाग भाग। और उसने मेरे साथी को ऐसा खदेड़ा कि जान के लाले पड़ गए। तेज मार देगा आपको, सीधे खाई में गिरा देगा। याक शाल नहीं होती क्या? सर नहीं होता है सर, वो बहुत खतरनाक होता है, जो दिखता है वो होता नहीं सर। भाई देखो, पहले बोल रहा हूँ ज्यादा पास। अरे सर, बस गए, बस गए सर। कुछ पलों के बाद जहां मैं खड़ा था और सामने जो कुछ देख रहा था वो शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। Hey man, this is Switzerland of India. We are in North Sikkim. This place is called Yumthang Valley. जब मैं इस तरह से गॉगल लगा देता हूँ तो जबरदस्त की एक्सेंट आ जाती है मुझे, और ठंड इतनी है कि मुझे जबरदस्ती भी ढंग से बोलते नहीं बन रहा है। बर्फ से ढकी चोटियों को बादल अपने आगोश में समेटने को बेकरार थे। मैं ये नजारा हकीकत में देख रहा हूँ, इस पर यकीन नहीं हो रहा था। बर्फ हाथ में आई तो कब गोला बनकर लोगों पर फूटने लगी और मेरे अंदर का अगर आप मेरे पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहा है उसको देखें तो आपको बाकायदा लगेगा कि काली काली चट्टाने हैं, उस पर पूरा स्नो हर जगह दिखाई दे रहा है। तो ये वो इलाका है जो कि आपको शिवजी के धाम कैलाश की याद दिलाता है। आप कल्पना करें तो शिवजी शायद ऐसी जगह पर ही रहते होंगे। और कैलाश मानसरोवर का एक रास्ता सिक्किम होकर भी तो गुजरता है, और मैं ये भी सोच रहा था कि आगे बढ़ते हैं इस जगह बैठकर स्नो वाले एरिया में ध्यान लगाना चाहिए, भले ही 10 मिनट का रखो। ओह हाय, व्हाट्स योर नेम? स्नेहा।
आप हिंदी बोलते हो? हाँ। ओके। आपका नाम स्नेहा है, आप कौन सी क्लास में हो? किसकी फोटो खींच रहे हो? मेरी दीदी की। अच्छा, वो जो रोड रोलर जैसे पे बैठी हुई है। ओके, ऊपर चले। आपका नाम क्या है? मेघा। मेघा, आकाश, एक बात बताओ, ये जिस व्हीकल पे आप बैठे हो, इसको किस काम में लेते हैं, पता है? हाँ पता है, जब बर्फ आता है ना, बर्फ निकालने के बाद ये रोड पर चलते हैं ताकि वो रोड स्मूथ हो जाए। अच्छा, एक काम करो, कैमरे में उसमें देखना, ठीक है? हाँ। और कनाडा में बताना कि सिक्किम में आके कैसा लगा। सिक्किम के बंधु नंग तुम्बा खुशी आगते, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇರಕ್ಕೆ. ಕೌನ್ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಮೇರ ಪಾಪಾ ಹೈ ಔರ್ ಮಮ್ಮಿ ಹೈ ವೋ ನೀಚೆ ಹಾಂ ವೋ ತೋ ಬಹುತ್ ಬಿಜಿ ಹೈ ಏಕ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ನೀಚೆ ಉತರೋ ತೀನೋ ಏಕ ಸಾಥ್ ಬರ್ಫ್ ಫೇಕೇಂಗೆ ಉನ್ಕೆ ಊಪರ್ ರೆಡಿ ಹೋ ಜಾಓ ಉನ್ಕೋ ಪತಾ ನಹೀ ವೋ ಫೋಟೋ ಖಿಚಾ ರಹೇ ಹೈ I'm Akash, what's your name? My name is Manju and this is my wife Shubha. Manju, we're coming there. Zero point par hame ek bahut hi dilchasp parivar mila. Manju skiing mein mahir hai aur America mein apni maharat ke jhande gaad chuke hain. Lekin unki dono betiyan barf ke mahol se bilkul anjaan hain. Aapka naam kya hai Manju? Hai na, aur aapka? Mera name Shubha, aapne bataya tha shuru mein. ये कौन सी लाइन देख रहे थे? वो ऊपर ऊपर पहाड़ में दो तीन लाइन आपको दिख रहा है ना? हाँ। वो देख रहे थे। वो क्या है? वो एवलांच बोलते हैं। अच्छा। हाँ। ओ, तो ये स्नो ऐसे जब फिसलने लगती है, हाँ। तो जब वो फिसलती है तो और गैदर होते जाता है ना वो स्नो, हाँ। और फिर पूरा बड़ा एरिया एक हो जाता है जो पूरा खिसक के नीचे आ जाता है। हाँ। वो आइस होके और उसमें स्नो पड़ के और उसमें आइस होके बढ़ता जाता है और ब्रेक होके एवलांच क्रिएट हो जाता है। आपको इसके हिल्स और स्नो के बारे में इतना कैसे पता है? हमको थोड़ा पता है, हम डेनवर कोलोराडो में रहते थे। यूएस में? हाँ। तो वहाँ आपने स्नो देखा है? हाँ। तो आपकी बेटी ने तो स्नो देखा नहीं? वो बेटी जब पैदा होके हम आ गए थे। अच्छा, तो दोनों बैंगलोर में पैदा हुए? हाँ। ओके, अच्छा थोड़ा हमको समझाइए। हाँ। मैंने ये भी सुना है कि आप अगर एवलांच के अंदर फंस जाओ और पूरे बॉल के अंदर आप हो तो आप पूरे अंदर और आसपास पूरा स्नो है तो आपको ऐसे हाथ पांव मारते रहना चाहिए। हाँ। तो आप धीरे धीरे उसके बाहर निकल सकते, ऐसा होता है? हाँ, तो एवलांच जो ऐसा होगा तो यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग लाइक दिस, ऐसा ऐसा मार के आप फॉरवर्ड आ सकता है। अच्छा, तो आप उसके बाहर निकल आओगे फिर। ओके, कुछ और स्नो टिप्स? नॉट मच, जो हम उन लोगों को पता है। ओके, अच्छा मैम, ये स्नो में क्या करते थे वहाँ पे? ये स्कीइंग करते थे, प्रोफेशनल स्कीइंग। प्रोफेशनल स्कीइंग? ब्लू लेवल स्कीयर था। वाओ, ये लेवल्स क्या क्या होते हैं? बिगिनर्स का होता है। हाँ। बाद में ग्रीन होता है, बाद में ब्लैक होता है। तो बिगिनर्स, ग्रीन, ब्लैक। ब्लैक, सिंगल डायमंड, डबल डायमंड। अच्छा, तो टीवी देख देख के हमको ऐसा लगता है कि शुरू हुआ, 15 दिन के अंदर हम ऐसे 10-10 फीट की जंप मारेंगे। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू। Very nice meeting. Thank you. Thank you. Thank you. जहां बर्फ हो वहां शिवजी की याद ना आए, महाकाल की याद ना आए, ऐसा तो मुमकिन नहीं। थोड़ी देर आंख बंद कर महाकाल को याद किया और आत्मा तृप्त हो गई। सोचिए, शिव औघड़ बाबा है, इस तरह की एरिया में आके उनके साथ रहेगा भी कौन? भूत, प्रेत, पिशाच और कौन? प्रेत भी चाहे साफ साफ नहीं बोल पा रहा, इतनी ठंड है यहाँ पे और इतनी ठंड में बैठ गया था। और शिव ऐसे इलाके में भी अपने पूरे शरीर पर राख लगा कर रखते हैं। राख क्या है? राख वैराग्य है, संसार से दूर। शायद मैं भी कुछ सीख पाऊँ, शुरुआत तो की है, देखता हूँ कहाँ तक पहुँचता हूँ।
आसमां की बुलंदियों ने पुकारा है मुझे, बाजुओं में मेरे शाही का पर लगा देना। दुनिया भर के लोग सिक्किम आते हैं, युमथांग वैली आते हैं। अगर आप भारत में रहते हैं और आपने युमथांग वैली नहीं देखी, 0 पॉइंट नहीं देखा, तो फिर क्या देखा? ये काली काली चट्टाने, ये ऊंचे पहाड़, ये बर्फ, ये दूध से झरने, ये साफ निर्मल जल, साफ हवा, यहाँ के शुद्ध मन के लोग सब आपको पुकार रहे हैं। कब आ रहे हैं आप? हम तो जा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही आइए। जस्ट वन मोर रीजन व्हाई आई लव सिक्किम, मुझे सिक्किम से प्यार है। एक चीज मैं जरूर बोलना चाहता हूँ, कितने खूबसूरत पहाड़ है, कितना खूबसूरत सिक्किम है, और ये भारत के और जगहों में भी होता है। पता नहीं किसने खाई होगी, लेकिन इस बर्फ में भी आइसक्रीम खाई थी किसी ने, चने लिए उसके साथ का मसाला, याक के दूध वाली कॉफी पी, वो कचरा भी यहीं पर, भले आपने नहीं फेंका हो, उठाइए अपनी कार में डालिए और नीचे जाके कचरे डिब्बे में फेंक दीजिए, पर प्लीज पहाड़ों में मत छोड़िए। ये हम सबके दिल की आवाज है, करते नहीं है, अब से करेंगे। चलिए।